जब भी बर्ड्स की बात आती है हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें सिंगल बर्ड रखनी चाहिए या फिर दो बर्ड रखनी चाहिए और कुछ कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि यार हम मतलब सिंगल बर्ड से स्टार्ट करें या फिर दो बर्ड रखें कैसे क्या करें तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं हम यार आप बर्ड्स को कितना भी टाइम दे दो यूजुअली तो हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अपने बर्ड्स को इन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत Uh, ऐसा होता है कि बहुत एक्साइटमेंट होती है तो हम बर्ड्स के आस पास ही घूम रहे होते हैं बट कुछ टाइम बाद जब वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है तो हम बर्ड को इतना टाइम नहीं देते हैं या फिर किसी भी फिर हमारे पास कोई अदर रीज़न्स आ जाते हैं कि यार हम इस वजह से बर्ड को टाइम नहीं दे पा रहे तो बर्ड को उसके जैसा ही कोई चाहिए बात करने के लिए अगर तो आप टाइम दो दो सिचुएशन से या तो आप अपने बर्ड को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं या तो आप नहीं दे सकते हैं अगर आप दे सकते हैं अपने बर्ड को बहुत ज़्यादा टाइम तब भी आपके बर्ड को कोई तो ऐसा चाहिए कि जो उसकी भाषा में बात कर सके और अगर आप अपने बर्ड को टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में तो उसको चाहिए ही चाहिए कोई कंपेनियन तो दोनों केस में आई वुड रिकमेंड कि आप दो बर्ड्स रखें मतलब एक जैसे ही अगर सपोज़ आप सिंगल वॉकडियल रख रहे हैं तो आप एक उसका पार्टनर रखें ज़रूरी नहीं है वो मेल हो फीमेल हो आप पेयर बना के रखें आप दो मेल्स भी रख सकते हैं आप दो फीमेल्स भी रख सकते हैं आप एक मेल और एक फ़ीमेल भी रख सकते हैं सीन क्या है इसको हम किस तरीके से सही तरीके से रखना स्टार्ट कर सकते हैं सपोज़ आपने इससे पहले कभी बर्ड नहीं रखी और आपने काकोटियल रखना स्टार्ट किया है या फिर आप कॉकोडियल ख़रीद के लाते हैं तो आप स्टार्ट करें सिंगल बर्ड से जब आप एक बर्ड ले आएँ आपको लगता है कि आपको अब उसके बारे में पता चल चुकी हैं सारी चीज़ें कि वो बर्ड का नेचर कैसा है और वो बर्ड मतलब उसको कैसे उसकी टेक केयर कैसे करनी है ये सारी चीज़ें जो आपको पता चल जाएँ तो फिर आप उसका एक कंपेनियन ला सकते हैं बजीज़ के केसेस में फिंचस के केसेस में जावा के केसेस में जो छोटी बर्ड्स होती हैं छोटे पैरट्स होते हैं इनके केसेस में आप स्टार्टिंग से ही दो बर्ड ले आइए क्योंकि वो सोशल बर्ड्स होते हैं उनको अकेले स्टार्टिंग से रखना बहुत मुश्किल है जैसे आप फिंचस को सिंगल नहीं रख सकते जावा को सिंगल नहीं रख सकते या फिर कोई अदर स्मॉल बर्ड्स को सिंगल नहीं रख सकते बजीज़ के केस में बजीज भी बहुत सोशल बर्ड होते हैं तो आप उन्हें भी स्टार्टिंग से ही पेयर में रखें लव बर्ड के केसेस में आप उन्हें पेयर से स्टार्ट करें क्योंकि छोटी बर्ड है स्पेस आपका ज़्यादा नहीं लगी जैसे तो कॉकटियल्स हैं कॉकटियल्स को आप सिंगल बर्ड रखें स्टार्टिंग में जब आपको लगता है कि आपको पता है उनके बारे में सारी चीज़ें फिर आप उसका कंपेनियन ले आइए सेम गोज़ विद इनसे भी बड़ी बर्ड्स जैसे अगर आप सपोज़ अफ्रीकन ग्रिल आते हैं आप सिंगल बर्ड लाइए स्टार्टिंग में आप कुछ टाइम तक उसको रखिए आप देखिए कि वो बर्ड है कैसे एक्चुअल में और फिर जब आपको बर्ड्स की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी फिर आप दूसरा बर्ड लाइए बट बर जब आप फर्स्ट बर्ड भी लेके आ रहे हैं तो भी उसका केज साइज़ बड़ा रखिए क्योंकि आपको प्लान करना है स्टार्ट मतलब कि आपके पास दूसरा बर्ड भी आएगा फिर उसमें एसेसरीज भी लगेंगी टॉयज भी लगेंगे सारी चीज़ें लगेंगी तो इस तरीके से बर्ड्स को रखना चाहिए हमें आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो